लोकसभा चुनावों में क्लीन स्वीप की हैट्रिक लगाने से चूंकि बीजेपी गुजरात में किसे प्रदेश प्रमुख बनाएगी, इसको लेकर राज्य की राजनीति गरमाई हुई है। संसद के मानसून सत्र के लिए सांसद जहां दिल्ली में जमे हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष और संगठन में पद पाने के इच्छुक नेता दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। दिल्ली में पूर्व मंत्री और राज्य बीजेपी के वरिष्ठ नेता पुणेश मोदी की अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात वाली तस्वीरों ने पारे को और चढ़ा दिया है। चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता छीनने वाले पुणेश मोदी को गुजरात की कमान मिलने जा रही है। पुणेश मोदी ओबीसी वर्ग से आते हैं। मोदी सरनेम मानहानि केस के चलते वो देश और विदेश की सुर्खियों में आए थे। पुणेश मोदी की केंद्रीय मंत्री और अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात वाली तस्वीरें ऐसे वक्त पर सामने आई हैं जब अगले हफ्ते गुजरात बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक है। पार्टी ने ये बैठक बोटाद के स्वामी नारायण मंदिर में रखी है। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 4 से 5 जुलाई को होगी। ऐसे में चर्चा हो रही है कि क्या हाईकमान से पुणेश मोदी के नाम पर मोहर लग रही है। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में जो अन्य नाम हैं, उनमें राज्यसभा सांसद मयंक नायक, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान, अहमदाबाद के बेजलपुर से विधायक अमित ठाकर समेत दिग्गज नेता आई के जडेजा का नाम चर्चा में है। पुणेश मोदी की केंद्रीय मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात वाली तस्वीरें ऐसे वक्त पर सामने आई हैं जब अगले हफ्ते गुजरात बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक है। पार्टी ने ये बैठक बोटाद के स्वामी नारायण मंदिर में रखी है। पुणेश मोदी सूरत पूर्व से विधायक हैं। वो लगातार 3 बार के विधायक हैं। उन्होंने अपना पिछला चुनाव लगभग 90,000 से ज्यादा मतों के अंतर से जीत दर्ज किया था। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 4 से 5 जुलाई को होगी। ऐसे में चर्चा हो रही है कि क्या हाईकमान से पुणेश मोदी के नाम पर मोहर लग रही है। प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में जो अन्य नाम हैं, उनमें राज्यसभा सांसद मयंक नायक, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री देवू सिंह चौहान, अहमदाबाद के बेजलपुर से विधायक अमित ठाकर समेत दिग्गज नेता आई के जडेजा का नाम चर्चा में है।